अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहिर दृष्टि की यूट्यूब चैनल से, और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं कि आप जो है अपना अगर बैंक अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आप कैसे पाकिस्तान में बनवा सकते हैं और कौन सा बैंक अकाउंट आपके लिए ईजी है बनवाना। अब जैसे कि मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी और वहाँ पर मैंने जिक्र किया था कि मैंने मिज़ान बैंक का अकाउंट बनवाया था, और मिज़ान बैंक का जो मेरा आसान अकाउंट बना था पहले वो सिर्फ मेरे शनाख्ती कार्ड पर भी बना था, और जो उसकी टोटल लिमिट होती है वो 5 लाख की होती है, और उसके बाद फिर जब उसकी जो लिमिट पूरी हुई तो फिर मुझे उसको अपग्रेड करवाना पड़ा था करंट अकाउंट में, जिसके लिए मुझे एक बिज़नेस प्रूफ देना पड़ा था। लेकिन फिर काफ़ी सारे जो लोगों के सवाल पर आते रहते हैं कमेंट्स में, वो पूछते हैं कि जी अगर हम स्टूडेंट्स वगैरह हैं तो फिर हम अपना जो अकाउंट कैसे बनवा सकते हैं। अब मैंने क्योंकि अपना अकाउंट जो था आसान अकाउंट बनाया था सिर्फ शनाख्ती कार्ड पर, लेकिन कई लोगों ने मुझे बताया कि जी अब जो है मिज़ान बैंक वाले आपसे ये कहते हैं कि जी अगर आपका कोई बिज़नेस प्रूफ नहीं है तो आपका अकाउंट नहीं खुल सकता। स्टूडेंट के साथ भी ये मसला आ रहा है, तो इससे फिर बेहतर हल कौन सा है? अभी रिसेंटली जो है मैंने एक नया बैंक अकाउंट बनवाया अपने छोटे भाई के लिए, और वो था फैसल बैंक का अकाउंट, और वो क्योंकि छोटे भाई की दुकान है मोबाइल कम्युनिकेशन की, तो हमने जो है बिज़नेस अकाउंट मतलब बिज़नेस प्रूफ दे दिया था। मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा, नॉर्मली अगर आप अकाउंट बनवाना चाहते हैं तो उसकी जो रिक्वायरमेंट सारी बता देता हूँ। लेकिन वहाँ पर जो मेरी बात हुई इश्तियाक साहब थे वहाँ पर फैसल बैंक में, और उन्होंने बताया कि अगर आप आसान अकाउंट भी बनवाना चाहते हैं तो वो सिंपल है, सिर्फ आपके शनाख्ती कार्ड पर ही वो ओपन हो जाता है। तो ये वीडियो मैं इस टाइम जो है दिसंबर 2021 में बना रहा हूँ, तो यानी कि आपको शायद थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि ये अगर आप बाद में भी किसी टाइम वीडियो देखते हैं तो वहाँ पे किसी में कोई उनके मज़ीद शराइत नहीं बताई। उन्होंने यही कहा कि अगर आप सिर्फ NIC लेके आ जाते हैं तो आपका आसान अकाउंट बन जाता है, तो अगर आप स्टूडेंट हैं या आपका कोई बिज़नेस वगैरह नहीं है तो आप जो है आसान अकाउंट बनवाना चाहते हैं तो आप फैसल बैंक में जाके बनवा सकते हैं, यानी सिर्फ अपने शनाख्ती कार्ड पर। लेकिन उसकी कुछ लिमिट्स वगैरह होती हैं, लिमिट का मैंने पूछना भूल गया उनसे कि मतलब उसकी जो टोटल बैलेंस वगैरह कितनी लिमिट होती है। मेरा ख्याल 5 लाख तक शायद होती होगी, मैं गूगल में देख के फिर आपको यहाँ पे साथ में लिख भी दूंगा उसका कि कितनी लिमिट, अगर मेरे को पता चलती है मैं बता दूंगा। फैसल बैंक में करंट अकाउंट खुलवाने के लिए सिंपल प्रोसेस है, आप अपनी दुकान का अगर जैसे आपकी कोई दुकान है या कोई भी कारोबार वगैरह है तो उसका जो एक लेटर हेड है वो लेके चले जाएँ, और आपको अपना शनाख्ती कार्ड जो है ओरिजिनल वो लेके जाना पड़ेगा, और वहाँ जाके वो आपका अकाउंट खोल देते हैं। और साथ ही अपना गैस बिजली या पानी वगैरह का अगर कोई बिल है आपका तो वो भी आप लाजमी लेके जाइएगा। तो भाई के जैसे मैंने अकाउंट खुलवाया है वो फैसल बैंक में, और वो करंट अकाउंट है वो नॉर्मल जैसे आसान अकाउंट नहीं है, तो सिंपल ये ऑप्शन था। इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, तकरीबन जुमेरात को हम गए थे और उन्हें जाके अपना जो लेटर हेड दिया, शनाख्ती कार्ड दिया, और एक बिजली का बिल जो रिक्वायर्ड था तो वो भी बाद में हमने व्हाट्सएप पर उन्हें फॉरवर्ड कर दिया था, तो क्योंकि उस टाइम हमारे पास मौजूद नहीं था, और उन्हें वो अकाउंट ओपन कर दिया था। तो अच्छा, अकाउंट में जो एक बात और बता दूं कि नॉर्मली जैसे जब मैंने अपना मिज़ान बैंक का अकाउंट खुलवाया था तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन मेरे ख्याल है शायद 3 या 4 हज़ार रुपये मैंने उस टाइम दिए थे डिपॉजिट के लिए, और जिसमें से फिर कार्ड वगैरह की फ़ीस वगैरह कट गई थी तकरीबन 1200-1300 रुपये और कुछ वैसे। तो लेकिन फैसल बैंक में जो है इश्तियाक साहब ने मुझे यही बताया था कि यहाँ पर अगर आप अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आप कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई भी आप बेशक 1 रुपया भी डिपॉजिट ना करें वो शर्त नहीं है आपकी, लेकिन अगर चाहें तो आप कर सकते हैं, और यानी 4-5 हज़ार रुपये भी अगर आप देना चाहें वो दे सकते हैं, और अगर आप ज़्यादा भी देना चाहें तो वो भी। तो फिर वैसे उन्होंने कहा था कि अगर आप 20-22 हज़ार रुपये तकरीबन करवाना चाहें तो वो भी करवा सकते हैं, तो फिर मैंने अपने जैसे उन्होंने कहा ये तो फिर मैंने कहा चलिए ठीक है मैं डिपॉजिट कर देता हूँ। तो मैंने फिर जो है उन्होंने अकाउंट जो कुछ एंट्री वगैरह थी जो भी प्रोसेस था वो कम्प्लीट किया, भाई के SMS यानी मोबाइल पर एक SMS आ गया, वहाँ पर कुछ रिक्वायरमेंट आ गई कि जी आपकी रिक्वेस्ट रिसीव हो गई है, जो नंबर मुझे मिला वहाँ पर मैंने 25 हज़ार रुपये ये थे उसमें ट्रांसफ़र कर दिए, तो वो यानी वो डिपॉजिट हो गए। लेकिन ये रिक्वायरमेंट नहीं है, लाजमी नहीं है, अगर आप ना भी करना चाहें तो उन्होंने यही कहा था कि ये आपकी मर्ज़ी है, वैसे मैंने 25 हज़ार किए थे, आपकी मर्ज़ी आप करें या ना करें। और फिर तकरीबन आज मंगल है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो चेकबुक जो है वो आज हमें मिल गई है जैसे यानी भाई की जो चेकबुक थी, लेकिन ATM कार्ड नहीं मिला, ATM कार्ड को उन्होंने कहा कि शायद वो कल तक मिल जाएगा। तो ATM कार्ड की अगर बात करें तो तकरीबन आपको एक हफ़्ते के अंदर अंदर मिल जाता है, और चेकबुक भी आपको मिल जाती है। अच्छा, एक चीज़ और के कार्ड जो थे उन्होंने मुझे अगर मेरा सही याद है तो 3 कार्ड उन्होंने मुझे बताए थे कि एक कार्ड के तकरीबन जो है 1200 या शायद 1300 रुपये सालाना फ़ीस होती है, और उस पर आप डेली 50 हज़ार रुपये तक जो है बैंक में निकलवा सकते हैं, और दूसरा कार्ड जो है उसकी तकरीबन 1600 रुपये सालाना फ़ीस होती है, और वो जो है आप 75 हज़ार रुपये डेली जो है ATM से विड्रॉ करवा सकते हैं। और इसके अलावा एक और कार्ड भी होता है जिसकी तकरीबन 1.5 लाख रुपए तक जो है डेली विड्रॉल की लिमिट होती है, लेकिन उसकी जो फिर डिपॉजिट की जो शराइत है कि 3 मिलियन यानी 30 लाख तक जो है आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट होना चाहिए। तो 75 हज़ार रुपये काफ़ी होती है, नॉर्मली मेरा जो मिज़ान वाला कार्ड है उसकी 50 हज़ार की लिमिट है डेली की विड्रॉल की, और यहाँ पर जो है 75 हज़ार है 1600 रुपये।
और इसके अलावा एक और चीज़ थी कि SMS अलर्ट्स वगैरह, यानी कि जब भी आपको पेमेंट को रिसीव होती है या अगर आप विड्रॉल वगैरह करवाते हैं या कोई ट्रांजेक्शन होती है तो उसके आपको जो है SMS अलर्ट आ जाते हैं, उसकी तकरीबन मेरा ख्याल है 1,000 रुपये जो फीस है सालाना, तो अगर आप वो चाहें तो वो भी आप एक्टिवेट करवा सकते हैं। और उसके अलावा आपको ईमेल अलर्ट्स जो है वो बिल्कुल फ्री मिलते हैं, यानी कोई भी आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको ईमेल आ जाती है। मेरे पास जैसे मिज़ान में यही ऑप्शन है, ईमेल भी आती है SMS भी आते हैं, तो इसी तरह से अगर आप फैसल बैंक की तरफ से भी रिसीव करना चाहते हैं तो फिर आप SMS अलर्ट्स भी करवा सकते हैं। SMS अलर्ट ये है कि आपके सिक्योरिटी के लिए होते हैं, अगर कोई भी ट्रांजेक्शन जो होती है और आपके इल्म के बगैर होती है तो आपको उसी टाइम पता चल जाता है। तो इस तरह से आपको जो अकाउंट खोलने का जो प्रोसेस था मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा, इसमें कोई मसला नहीं आया। और एक चीज़ और जो थी, अगर मैं अपने रवैये की बात करूँ, देखिए मैं अब तक 3 बैंकों में गया हूँ, मिज़ान बैंक, अस्करी बैंक और फैसल बैंक। फैसल बैंक में जो एक्सपीरियंस मेरा बड़ा ज़बरदस्त रहा अकाउंट के हवाले से, मतलब वहाँ पे उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से गाइड किया और अकाउंट खोलने में भी कोई मसला नहीं हुआ। मिज़ान बैंक के जो रवैया है, अगर मैं कहूँ उसमें रेटिंग की बात करूँ तो मैं कहूँगा कि 10 में से 6 पॉइंट्स दूंगा मैं उन्हें, 6 नंबर दूंगा उन्हें। वहाँ पे थोड़ा सा कुछ चीज़ों का मुझे पसंद नहीं आया था। लेकिन अगर बात करें अस्करी बैंक की, तो वो उनका जो रवैया था, वहाँ पे जो बंदे मौजूद थे जो भी अकाउंट्स वगैरह के हवाले से डिटेल्स देते हैं, उनका रवैया इंतहाई घटिया था, मतलब मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आया। यानी ये कह लें कि जब अगर आपके पास एक क्लाइंट जा रहा है, आपके पास मतलब आया है, वो आपसे बैंक डिटेल्स वगैरह के हवाले से मालूमत लेना चाह रहा है या अकाउंट खुलवाना चाह रहा है, तो आपका काम बनता है उसको तरीके से गाइड करें। लेकिन उनका रवैया मेरे साथ ऐसे था कि जैसे मैं अकाउंट खुलवाने नहीं गया, मैं उनसे भीख मांगने गया हूँ। तो मेरे उनका रवैया मतलब मुझे इंतहाई घटिया लगा था, कि फर्ज करें अगर मेरा बस चलता शायद उनको थप्पड़ भी मार देता, मतलब इस किस्म का उनका घटिया घटिया रवैया था वहाँ पे। तो उसके मुकाबले में जो फैसल बैंक में जब मैं गया हूँ अकाउंट के हवाले से, तो यहाँ पे उनका रवैया बहुत ज़बरदस्त था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, एक चीज़ और मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए फैसल बैंक की जो एप्लीकेशन है, जब वो मैंने अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश की तो उसमें थोड़ा मसला आया था, लेकिन वो अभी तक जो है मैं उस पर लॉगिन नहीं कर सका, रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सका, उसमें थोड़ा मसला आया था। फिर मैंने हेल्पलाइन पे भी कॉल की, जुमे को हेल्पलाइन पे कॉल की थी और आज मंगल की शाम हो चुकी है, उन्होंने कहा था कि जी हम कॉल बैक अरेंज करवा देंगे, आपका मसला हल करवा देंगे, लेकिन वो उसके तरफ से कोई भी रिस्पांस नहीं आया और अभी तक जो है वो मसला हल नहीं हुआ था। तो आज मंगल का दिन है, आज वहाँ मिज़ान बैंक सॉरी फैसल बैंक की ब्रांच भी गए थे, तो फिर वहाँ पर भी जब उन्होंने कॉल करने की कोशिश की, ना मेरे नंबर से उनका हेल्पलाइन पर कॉल लगी, ना भाई के नंबर से कॉल लगी, और ना जो वहाँ पे जो इश्तियाक साहब थे उन्होंने भी खुद कॉल करने की कोशिश की, लेकिन हेल्पलाइन से बात नहीं हो सकी, कोई उनका मसला चला था नेटवर्क का या कोई भी था, तो ये मसला था। फिर उन्होंने कहा कि ये कल आप दोबारा ब्रांच आ जाएँ तो वहाँ से वो मसला हल करवा देंगे। तो एप्लीकेशन के इंस्टॉल कैसे करनी है या उसमें अकाउंट कैसे रजिस्टर करना है, उसके बारे में इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, लेकिन कस्टमर सर्विस के बारे से मैं बात करूँगा कि जिस तरह से कस्टमर सर्विस का जो घटिया तजर्बा है वो मेरा काफ़ी घटिया रहा है। पहले ब्रांच की अगर बात करूँ तो वहाँ पर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, कस्टमर सर्विस से अगर बात करने की बात करूँ तो वो मेरा घटिया जो तजर्बा है वो फिलहाल तो घटिया ही रहा है, पहला तजर्बा था और वो घटिया ही रहा है क्योंकि उन्होंने मेरा मसला अभी तक हल नहीं किया। जुमे की बात थी और आज तकरीबन मंगल की शाम हो चुकी है। बाकी अगर आपको कुछ सवालात हैं तो आप कमेंट्स में कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको जवाब दूँ। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं हूँ ताहिर, देसी टेक चैनल से। अल्लाह हाफ़िज़।